अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी है आपके सामने कि हाउ इज द करंट केप्ट कंटिन्यूअस, करंट को कैसे लगातार बनाए रखना होगा आपको कंडक्टर के अंदर। आपके पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर आपको लगातार करंट को बनाए रखना है, लगातार ये इलेक्ट्रॉन है, लगातार आपको करंट को बनाए रखना है। तो आपको करना क्या होगा कि यार लगातार करंट बनाए रखे, तो करंट बनाए रखने के लिए आप बैटरी का इस्तेमाल करते हो, बैटरी का इस्तेमाल करते हो ताकि कंटिन्यूस करंट बनी रहे। तो सीधा सा जवाब है, करंट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होता है, बाय मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, तो इसको आंसर कर दो, बाय मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे कहाँ बताओ। आपको इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करानी है, तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए आपको इस कंडक्टर के सिरों पर ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो गया बैटरी, और ये बैटरी ही है जो करंट की स्टेबिलिटी को बनाए रखती है, इसकी स्टेडीनेस को लगातार बनाए रखती है। अगर ये बैटरी हटा दी जाए, EMF हटा दिया जाए, तो भाई करंट की स्टेबिलिटी मतलब जो कहते हैं ना एक स्टडी, वो ख़त्म हो जाएगी, स्टडीनेस ख़त्म हो जाएगी। तो जो EMF है एक्चुअल में, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है सिरों पर, वही है जो इसके अंदर करंट को कंटिन्यूस रखेगा। तो बाय मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, कहाँ, बिटवीन टर्मिनल, किसके टर्मिनल, कंडक्टर के, बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखा, जाहिर सी बात है आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखोगे तो करंट भी अंदर एक फिक्स रेशो से या फिक्स रेट से चलती रहेगी, बस यही है सिस्टम। अगर आप इसको चेंज करोगे तो करंट भी चेंज हो जाएगी, इसको आपने फिक्स कर दे तो करंट भी फिक्स हो जाएगी, यही पूछा था आपसे। तो ये छोटा क्वेश्चन है, ये भी मैं कहूँगा कि यार थोड़ा अच्छा है, ये भी ये MCQ के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है।